गुरुवार को वेतन आयोग की चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए 11वें दिन भी ग्रामीण डाक सेवकों का हड़ताल जारी रहा। मंडल के सभी ग्रामीण डाक सेवक प्रधान डाक कार्यालय पर इकट्ठा होकर प्रधान कार्यालय से डाक सेवकों को हजारों की संख्या में सड़कों पर जुलूस निकाला। ग्रामीण डाक सेवकों का कहना है कि यदि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द लागू नहीं कराती है तो डाक विभाग की सारी व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। हड़ताल पर बैठे डाक सेवकों में मुख्य रूप से रमेश शुक्ला, सत्यजीत कुमार, चिंतामणि मिश्रा, नरेंद्र यादव, आनंद पांडे सहित विभिन्न मंडलों से आए ग्रामीण डाक सेवक भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ग्रामीण डाक सेवक संघ के पदाधिकारियों ने कहा, रिपोर्ट को देने के बाद उसमें क्या, अभी भी उनका टूर पर टूर चला जा रहा है। अभी एक बार किया है, आप देख रहे हैं, अभी हमारे भाव जेपी सिंह ने बहुत साफ कहा कि जब दिन खराब आने होते हैं तो ऐसे ही होता है। नियत इतनी खराब है कि अगर दूसरा कोई जरा भी गलती करता है तो गलत है। और ये रोजी रोटी दे सके जो कमेटी रिपोर्ट लागू करो, लागू करो। कमेटी की रिपोर्ट जब तक लागू नहीं होती तब तक समस्त ग्रामीण डाक सेवक पूरे भारतवर्ष के हड़ताल पे रहेंगे। हड़ताल समाप्त नहीं कर किया जाएगा, जब तक यह लागू नहीं होती तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। के बाद इतनी पुरानी संस्था है, मोदी साहब गरीब हित की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन इतना बड़ा पूंजीवादी आदमी हमने आज तक देखा नहीं स्वतंत्र भारत में। ये जब तक ईडीएस कमेटी रिपोर्ट, चंद्रा कमेटी साहब की रिपोर्ट लागू नहीं होगी, सारे ग्रामीण डाकघर के कार्य प्रभावित है। आरडी, टीडी, एफडी, जमा निकासी सब बंद है, सारी रजिस्ट्रिया ठप है। जनता इतनी मुसीबत का सामना कर रही है लेकिन इनके कान में रूम नहीं रेंग रहा है। जब तक लागू नहीं करेंगे तब तक हम लोग चाहे 2 महीना जाए हमारी हड़ताल जारी रहेगी। इसके लिए हम बिल्कुल भारत माता की।